आपकी प्यारी दुलारी और राष्ट्रभक्त मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि सरकार कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती। मोदी सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को मुआवजा देना सरकारों के बस की बात नहीं है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार अपनी हर जिम्मेदारी से भाग रही है और कैसे मोदी सरकार का ये दावा बेबुनियाद है कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं। हम मोदी जी को ऐसे 6 उपाय भी बताएंगे जिनसे वो मुआवजे का पैसा आसानी से दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि हर मौत के लिए मुआवजा देना सरकारों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है। यानी मोदी सरकार ने कह दिया कि सरकारों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि मरने वाले के लिए मुआवजा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को राज्य और केंद्र सरकार 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का भुगतान करे, लेकिन सरकार ने बजट न होने की दुहाई दी है। केंद्र सरकार कहा है कि अगर कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है तो इससे स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का सारा पैसा यहीं खर्च हो जाएगा और फिर बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा से निपटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। covid19india.org के मुताबिक भारत में कोरोना महामारी से आज सुबह तक 3,86,741 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मोदी सरकार पर आंकड़ों में फर्जीवाड़े के भी गंभीर आरोप लगे हैं और एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि भारत में मौतों के जो आंकड़े हैं ये इससे कहीं ज़्यादा हैं। पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आंकलन का अपना सर्वे छापा था। उन्होंने बताया था कि साल जनवरी तक भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या 42 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है और ये दूसरी लहर के आने से पहले इन्होंने दावा किया था। इसमें दूसरी लहर से होने वाली मौतें शामिल नहीं हैं। यानी अगर इस अनुमान की माने तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई है। शमशान घाटों में शव जलाने की जगह तक नहीं थी, लाशें गंगा में बहाई जा रही थी और गंगा किनारे लाशों को किस तरह से दफनाया जा रहा था ये हाल हम सब देख चुके हैं। लेकिन मोदी सरकार बस हाथ खड़े कर देती है, मतलब ना दवाई देंगे, ना बेड्स देंगे, ना अस्पताल में ऑक्सीजन मिलेगी, ना रोटी मिलेगी, ना नौकरी मिलेगी और ना ही मुआवजा। तो भाई साहब फिर मिलेगा क्या? सिर्फ भाषण और भाषण और भाषण? आप सरकार हैं या घनचक्कर हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है? लोगों ने आपको दूसरी बार प्रधानमंत्री क्यों चुना है? आप सरकार क्यों चला रहे हैं? सरकार का क्या काम होता है ये सब आप क्या भूल चुके हैं? कोरोना काल में जाने कितने ही घर परिवार पूरी तरह से उजड़ चुके हैं, जाने कितने ही बच्चे यतीम हो चुके हैं और जाने कितने ही परिवार कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं, जाने कितने ही लोगों ने चंद सांसे खरीदने के लिए अपनी सारी की सारी संपत्ति बेच दी। लोग अस्पतालों का बिल भरने के लिए अपने गहने तक बेच रहे हैं और ना जाने कितने ही लोगों की नौकरी को ये बद इंतजामी भी खा गई। बिना सोचे समझे किए गए लॉकडाउन ने छोटे मोटे कारोबारियों को तबाह कर दिया। अब उन्हें उभारने की जिम्मेदारी भला किसकी है? अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच कोरोना काल के एक साल में कुल 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। यानी कोरोना के एक साल ने गरीबी के मामले में देश को 8-10 साल पीछे धकेल दिया। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि देश में हालात और भी बिगड़ने वाले हैं, तो भला ऐसे में लोगों की जेब में पैसे डालने की जिम्मेदारी भला किसकी है? क्या आसमान से कोई पैसों की बारिश होने वाली है या फिर धरती से कोई खजाना निकलने वाला है? नहीं प्रधानमंत्री जी, ये काम आपका है और आपको ही करना चाहिए। कम से कम लोगों को कुछ मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए ताकि परिजनों को खो चुके लोगों के सामने कम से कम भीख मांगने की नौबत ना आए। ये मुआवजे की रकम उन्हें थोड़ी मदद कर सकती है और मुमकिन है कि उनकी जिंदगी एक बार फिर से ट्रैक पर लौट आए। चलिए मोदी जी की ये बातें सुनकर आप नाराज हो गए होंगे, लेकिन आपने कहा है कि आपके पास मुआवजे के लिए पैसे नहीं हैं, तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे आप मुआवजे के लिए पैसा जुटा सकते हैं। सबसे पहले तो आप लाशों के ढेर पर जो 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी महल बना रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उसे रोक दीजिए और उस पैसे का इस्तेमाल देश की परेशान आवाम की भलाई के लिए कीजिए। क्योंकि जब देश की जनता खुशहाल होगी तो ऐसे आप 100 महल बना सकते हैं। हमारा दूसरा अहम सुझाव ये है कि आप पीएम केयर फंड
में आए हजारों करोड़ के दान का हिसाब जनता को दें और उसके पैसे से लोगों को मुआवजा भी दे दें। इंडिया स्पेंस का दावा है कि आपके पीएम केयर्स फंड में महज 52 दिन में, जब ये बना था उसके महज 52 दिन में 9,677 करोड़ से ज़्यादा का डोनेशन आया था। अब तक तो ये रकम जाने कितने गुना बढ़ चुकी होगी, इसलिए अगर आप चाहें तो इस पैसे का इस्तेमाल भी मुआवजा देने के लिए कर सकते हैं। इससे भी आपका काम नहीं चल सकता तो फिर तीसरा उपाय भी हम आपको बता देते हैं। पिछले दिनों आपकी सरकार ने देश की राष्ट्रीय धरोहर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 99,122 करोड़ रुपए पार कर दिए थे। अब इतना सारा पैसा आप कहाँ ले जाएंगे, इसलिए आप चाहें तो इसका इस्तेमाल भी कोरोना से मरने वाले लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए कर सकते हैं। अब आपको छोटा सुझाव भी दे देते हैं। मोदी जी, आपने साल 2019-20 में अपनी छवि चमकाने के लिए टीवी, अखबार और होर्डिंग्स के जरिए रोजाना करीब 2 करोड़ रुपए खर्च करके विज्ञापन दिए थे। इस दौरान आपने कुल 713 करोड़ से ज्यादा की रकम इसलिए खर्च कर दी थी कि आपकी छवि को और ज्यादा विस्तार दिया जा सके। इसलिए आपसे गुजारिश है कि महामारी के दौर में विज्ञापनों पर खर्चा बिल्कुल बंद कर दें और जनता के टैक्स का पैसा जनता को मुआवजे के तौर पर दे दें। आप चाहें तो मुआवजा प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं और उसमें अपनी फोटो भी छपवा सकते हैं। मुआवजे का मुआवजा और विज्ञापन का विज्ञापन, एक पंथ दो काज हो जाएंगे आपके। 4 सुझाव बता दिए हैं। अगर इन सबके बावजूद भी फंड कम पड़े तो 5वां सुझाव ये है कि कोरोना के नाम पर आपने सांसदों को मिलने वाले एमपीलैड फंड का करोड़ों रुपया रोक रखा है। हर सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन आपने रोक दिया क्योंकि आपने कहा कि कोरोना महामारी आ गई है, देश में आपदा है। अब तक तो आपके पास इन सब का बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया होगा, तो इस पैसे को भी मुआवजे में जोड़ दीजिए, मुआवजे की राशि में जोड़ दिए। और वैसे भी जो एमपीलैड का पैसा है वो आपकी पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जैसे जो सांसद हैं, उन्होंने एम्बुलेंस खरीदी थी और वो कोरोना काल में किसी के काम नहीं आई, इसलिए बेहतर है कि आप इसे मुआवजा फंड में ही जोड़ दें। और जाते जाते छठा और आखिरी उपाय भी बता देता हूं। ये वाला एकदम संकट मोचक है, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। प्रधानमंत्री जी, आप ऐसा कीजिए कि देश भर के मंदिरों में पड़े लाखों करोड़ों अरबों खरबों के खजाने का राष्ट्रीयकरण कर दीजिए। सिर्फ मुआवजे की ही नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है। मंदिर के पास कुल 1,00,000 करोड़ की संपत्ति है। आप देश हित में इस्तेमाल कीजिए और इस पैसे का राष्ट्रीयकरण कर दीजिए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की कुल संपत्ति लगभग 50,000 करोड़ है और शिरडी के साईं मंदिर के पास लगभग 32 करोड़ की चांदी के जेवर हैं, सिक्के हैं, सोने के जेवर हैं। साथ ही हर साल लगभग वहाँ पर 350 करोड़ रुपये का दान आता है। ये सारी संपत्ति आपको देश हित के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। वहीं जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का दान आता है और मंदिर के पास हजारों करोड़ का स्टॉक है। क्या मुसीबत के वक्त इसका इस्तेमाल देशवासियों के लिए नहीं हो सकता? राम मंदिर के निर्माण के लिए भी महज 44 दिन में 2100 करोड़ का दान आ गया था। राम मंदिर के नाम पर तो इतना दान मिला कि आपके लोग बोरा गए और 2 करोड़ की जमीन को 18 से 19 करोड़ में खरीद रहे हैं। इसलिए मोदी जी, इन सारे मंदिरों का पैसा लेकर कोरोना पीड़ितों के परिवारों को दे दीजिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने एक बार कहा था, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा। इसलिए आप जनता की मदद करें और इन सारे मंदिरों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दें। इतना पैसा मिल जाएगा कि आप चुनाव में किए गए 15,00,000 के वादे को भी पूरा कर सकते हैं। मोदी जी, अगर इन सब सुझावों के बाद भी पैसे की कोई किल्लत हो, आप मुआवजे की रकम ना जुटा पाएं, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको कुछ और ज़रूरी सुझाव भी दे देंगे। मोदी जी के अलावा आप सब लोग भी कमेंट के जरिए अपनी राय दे सकते हैं। मैं हूं सुमित चौहान और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अज़रा परवीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।